तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं साउंड कोर के लाइव Q10 वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट का। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से करीबन 2 हफ्ते पहले परचेज़ किया था, और 2 हफ्ते इसको यूज़ करने के बाद मैं अपना फीडबैक देने वाला हूँ, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो चलिए करते हैं इसका डीप में रिव्यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और वीडियो पसंद नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, क्योंकि डिसलाइक का बटन तो है ही। चलिए फटाफट से करते हैं इसको रिव्यू, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़ोरदार बारिश और नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है वीडियो में। तो यार आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, कम्फर्ट के बारे में। और इसमें इनबिल्ट माइक आता है, तो आप इसको कॉलिंग के लिए, जूम मीटिंग्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मैंने 2 हफ्ते तक इसको मीटिंग के लिए भी यूज़ किया, तो मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि आप इसके साथ जा सकते हो या नहीं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन वाइज यार मुझे काफ़ी सही लगा, थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है, उसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, कुछ मतलब नहीं ज़्यादा करके, बट हाँ अगर आपको बैग में रखना है एंड ऑल तो कर सकते हो। डिज़ाइन भी थोड़ा यूनिक है, आप देखोगे तो जो टिपिकल जो हेडसेट आते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन दिया हुआ है, थोड़ा टेक्सचर भी अलग दिया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है। तो यार डिज़ाइन वाइज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा प्रीमियम लगता है। इसके बाद बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज यार मुझे कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक एंड स्टील यूज़ किया गया है, क्योंकि मैंने इसको 2 हफ्ते तक यूज़ किया और मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज भी मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलेगा, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट सी है, काफ़ी अच्छा और क्लियर साउंड आपको मिलता है। बेस भी इसका अच्छा है, बेस के लिए उन्होंने एक अलग से डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, तो अगर आप इसको प्रेस करते हो तो बेस इन्हांस हो जाता है, बट मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लाउड है। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसको साउंड बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए, बेस बहुत ज़्यादा इन्हांस चाहिए, तो उस केस में आप JBL और सोनी के साथ जा सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट डील नहीं है। ये उनके लिए जो साउंड सुनते हैं बट बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में नहीं सुनते हैं, जिनको सिर्फ साउंड क्लियर चाहिए, बेस भी डिसेंट सा चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी डील है। बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है इसका, इसके जो एयर कप्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो जब आप इसको पहनते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है ये, तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपको ज़्यादा ऐसा लगता नहीं किसने पकड़ के रखा है। तो अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा टाइट होने के बाद होता क्या है कि आप आधे घंटा लगाते हो, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार चुभ रहा है, अब अंदर ना हवा नहीं पास हो रही है, आपके कान पेन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। बट कभी कभी होता है क्या है, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो अगर आप इसको जिम में यूज़ करोगे या आपको रनिंग के लिए यूज़ करोगे तो अगर ये ऐसा हिलाओगे तो ये गिर जाएगा। तो इस लाइक कि आप इसको जिम या रनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इस लाइक कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है या आप घर पे मूवी देखते हो, घर पे आप गाने सुनते हो बेड पे लेट के, तो उस केस में आपके लिए अच्छी डील है, क्योंकि एयर कप अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी डिसेंट सी आती है। तो आपके ऊपर, अगर आप जिम और रनिंग लेना चाहते हैं तो आई वोंट से कि आप लो, आप किसी और के साथ जाइए। उसके बाद बात करते हैं यार इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मेरे को लगता है यही देता है, कुछ करीबन 60 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। मैंने इसको 2 हफ्ते पहले लिया था, और टू वेरी हॉनेस्ट मैंने अभी इसको चार्ज नहीं लगाया और ये अभी तक चल रहा है। तो बैटरी बैकअप के हिसाब से तो यार बहुत सही है, मतलब मैं ऑन एवरेज बोलूँ तो अगर आप 1-2 घंटे भी यूज़ करते हो तो फिर भी कितना भी कम चलेगा, तो मंथ में सिर्फ आपको एक बार चार्ज करना है इसको। आपने इसको 2 घंटा चार्ज किया, अब ऑन एवरेज आप 2-3 घंटे इसको यूज़ करते हो, पूरा महीना निकाल देगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में यार बहुत आगे है। तो मेरा लेने का मेन मकसद यही था कि मैं यार होते क्या है, मीटिंग्स होती हैं, मूवी देखता रहता हूँ, उसमें हमेशा डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ये 60 घंटे का पावर बैक देता है, 60 ना भी देगा तो एटलीस्ट 50 तो दे ही देगा, वो भी मोर देन इनफ है। इसके माइक के बारे में, तो अगर आप एक ऐसा हेडसेट देख रहे हो जिससे आप जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग, अपने ऑफिस की कोई भी मीटिंग अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो या नहीं, तो इसका जो माइक है काफ़ी डिसेंट सा परफॉर्म करता है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉइज़ कैंसलेशन तो एकदम ज़ीरो है, बट हाँ काम कर देगा आपका। बट मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको कॉलिंग के लिए यूज़ करो, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारी मीटिंग्स ली और मैंने फिर रिव्यू भी लिया मेरे कलीग से कि कैसा था साउंड क्वालिटी एंड ऑल। सो दे वेर लाइक कि सिर्फ आवाज़ आ रही थी बट बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत सारे थे और आपकी आवाज़ चुभ रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कॉलिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ आप कॉलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, सामने वाले की आपकी आवाज़ भी जाएगी बट उतना क्लियर नहीं रहेगा, उतना मज़ा नहीं आएगा कॉलिंग के लिए। तो अगर आप एक डेडिकेटली सोच रहे हो कि सिर्फ कॉलिंग के लिए तो ना लें, बट हाँ अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कॉल करना है, 1-2 कॉल होते हैं आपके आधे घंटे के, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अदरवाइज मैं बोलूँगा कि आप एक ऐसे हेडसेट के साथ जाइए जिसमें माइक अच्छा हो, तो आपकी आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। आते हैं फाइनल वर्डिंग पे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई वुड से यार कि ये डिपेंड करता है आपके कि आपको क्या चाहिए।
तो मेरे केस में मैं एक ऐसा यूज़र हूँ जिसको बैटरी बैकअप बहुत चाहिए, जिसको कंफर्ट बहुत चाहिए कि अगर मैं इसको लगाता हूँ तो काफ़ी टाइम तक मैं इसको लगा सकता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे कान पेन करने लगे। तो ये दो चीज़ में अच्छा परफॉर्म करता है, डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। साउंड इसका थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि डिसेंट सा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाउड म्यूज़िक पसंद है या सॉफ्ट या थोड़ा सा लो भी रहेगा चल जाएगा। तो मेरे केस में यार ये चल जाएगा मुझे, तो इसलिए मैंने ले लिया। 2200 की डील है, कोई ख़राब डील नहीं है, बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल रहा है, साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी सही है, आपको माइक भी मिल रहा है तो आप इससे कॉल भी अटेंड कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ आप कर सकते हो, तो अब आपके ऊपर आपको लेना है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।